सो गाइस, जैसे कि आपने जादू आप सबको बताया एंड दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि है मेरा बैक तो मैं जाऊंगा। चलो अभी हम पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्या-क्या लेना है क्या-क्या नहीं, तो चलो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली जिस दिन का मुझे 3 ईयर से इंतजार था वो दिन फाइनली आज आ चुका है। तो आज हमारी जर्नी शुरू होने वाली है केदारनाथ धाम के लिए। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस जर्नी को लेके, क्योंकि ये जर्नी मेरे लिए बहुत मतलब लाइक ड्रीम कम ट्रू ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत इंतज़ार किया था इस दिन का। सो फाइनली वो दिन आज आ चुका है। बट ये जो हमारी जो जर्नी है वो बहुत अच्छे से सफल हो, इसके लिए हम लोग आज जाने वाले हैं दगड़ूशेठ टेम्पल। सो हर अच्छे काम की शुरुआत गणेश जी को वंदना करके हम लोग शुरू करते हैं। सो हम लोग आज जाने वाले हैं दगड़ूशेठ टेम्पल और हमारी जो यात्रा है बहुत अच्छे से सफल हो, इसकी हम लोग दुआ करेंगे। सो चलिए। अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारी हरिद्वार की ट्रेन है वो पुणे से नहीं है, वो है मुंबई से बांद्रा टर्मिनल से। तो अभी हम लोग पुणे से मुंबई जाएंगे बाय बस। तो बांद्रा से हमारा ट्रेन है रात को 12 बजे। तो अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे अंकल है अरे नहीं, वो फाइनली टाइम पे आए हैं बैग रखने के लिए। तो अभी सभी के बैग यहाँ पे अभी निकाल रहे हैं, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। कसं वाटतंय तुला वडापाव खाऊन स्टार बक्स? वडापाव
स्टेशन पे हम सब लोग खाना खा रहे हैं बिकॉज हमारी जो ट्रेन है वो रात को 12 बजे है। तो बस से जस्ट अभी हम लोग बांद्रा स्टेशन पहुंच गए हैं, बट अभी सब लोग को भूख लगा है और सब ने घर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के लाई है। सो अभी हम सब यहाँ पे स्टेशन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। फाइनली ट्रेन आ चुकी है कुछ ही देर में, मतलब अभी निकलने वाली है, 12 बजे ट्रेन निकलने वाली है हरिद्वार के लिए। सो फाइनली अभी हम लोग रवाना होने वाले हैं बांद्रा से हरिद्वार के लिए। हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। तो यस, आपको आवाज़ आ रही होगी, अभी ट्रेन निकलने वाली है। फाइनली हम लोग हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। सो हम लोग पहुँचने वाले हैं 18 को मॉर्निंग 8:30 को हम लोग हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। अभी मैं सो रही हूँ, सो हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में। सी यू टुमारो गाइस, गुड नाइट। अरे कुंभकर्ण कितनी कितना सोएगा वो। सो गाइस यहाँ पे एक गेम एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है। ठीक है, कैसे बगाइचा दीदी, कैसे बगाइचा? सब लोग मिले हैं एक दूसरे से क्योंकि सब लोग बहुत दूर दूर बैठे थे। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे होटल
और फ्रेश होंगे उसके बाद तो आपको पता ही चलेगा हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। सो यस, सो फाइनली हरिद्वार में पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे हम आए थे बहुत थक के, अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी इसलिए हम लोग ने सबने वेट किया, बट अभी फाइनली बारिश बंद हो चुकी है। सी आप लोग वेदर देख रहे हो, बंद हो चुकी है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। चलो लेट्स गो। केदारनाथ की यात्रा पे, तो अभी पूरा आज का पूरा दिन हमारा ट्रैवल में जाने वाला है। फिर आज जाके हम लोग होटल पे रेस्ट करेंगे, फिर रेस्ट करने के बाद निकलेंगे केदारनाथ। हेलो सो गाइस, अभी सब लोग ऐसे कार में निकलने वाले हैं गुप्त काशी के लिए। सो सब लोग अपने अपने बैग्स रख रहे, कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अभी हमें ट्रैवल करना है 8 आवर्स कंटिन्यू, और थोड़ा दुख हो रहा है क्योंकि अभी हम सब लोग साथ में नहीं बैठ पा रहे क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए अभी सभी के लिए 4 व्हीलर्स किए हैं।
सो सब लोग अलग अलग फैमिली वाइज सब लोग अलग अलग जा रहे हैं, तो हम लोग वो उतना इंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना हम पुणे टू बॉम्बे किया था बस में। बट ठीक है यार, वहाँ पे केदारनाथ में जल्दी पहुँचना है इसलिए हम लोग फोर व्हीलर से जा रहे हैं, क्योंकि फोर व्हीलर जल्दी जल्दी निकल सकती है। सो यस, सो गाइस सी यू। हाय गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी ऐसे हम सब लोग कार में बैठे हैं। हमारा जो जर्नी है केदारनाथ के लिए वो अभी शुरू हो चुका है, तो अभी हम लोग हरिद्वार से निकल चुके हैं, तो बहुत मजा आने वाला है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों मेरा बर्थडे है 20 मई को, सो पूरा ये ट्रिप उसके वजह से हमने सबने ऑर्गेनाइज किया था कि दर्शन भी हो जाएगा और मेरा बर्थडे भी वहाँ पे हो जाएगा। आई एम सो लकी कि मेरा बर्थडे एक ऐसी जगह पे हो रहा है जो मतलब जहाँ पे जाने के लिए लोग बहुत तरसते हैं, और फाइनली वो दिन आ चुका है और मेरा बर्थडे ही केदारनाथ में होने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी हम लोग थोड़ा कुछ अभी लंच करने के लिए यहाँ पे रुके हैं। आई स्वेयर गाइज, यहाँ के जो रास्ते हैं इतने अच्छे हैं और यहाँ की जो फ्रेश हवा है ना, सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है अभी वापस पुणे जाओ ही नहीं, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है। इधर का क्लाइमेट इतना कूल है ना, आप लोग देख सकते हो। गाइज, अभी हम लोग रुके हैं जो दो नदी का संगम होता है, तो वो देखने अभी हम लोग यहाँ पे उतरे हैं। सो मैं अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैंने अभी तक यूट्यूब पे ही देखा था। बट सीरियसली गाइज, यहाँ पे बहुत अच्छा है। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो देख लेना। सो गाइज, ये दो नदी अलकनंदा एंड भागीरथी, तो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा दो अलग अलग कलर्स है। जैसे बोलते हैं ना कि स्वर्ग से हवा आती है, सीरियसली गाइज वैसा वाला ही फील है यहाँ पे। और यहाँ का जो क्लाइमेट है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी हम थोड़े मज़े ले रहे हैं इस क्लाइमेट की। सब लोग चाय के लिए रुके यहाँ पे, इसलिए हम लोग चाय पीने वाले हैं इस मस्त ठंडी हवे में। बहुत मज़ा आ रहा है गाइज, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आ गए हैं हम हमारी होटल में। वैली रिसोर्ट पहुंच चुके हैं जो है केदारनाथ में, और हम बहुत ज्यादा खुश है। खुश हो कि नहीं? कल मेरा बर्थडे है और कल मैं मेरा बर्थडे केदारनाथ में मनाने वाली हूँ। तो यस, आप रेडी हो कल मेरे बर्थडे के लिए? तो गाइस अभी थोड़ी देर के बाद वापस मिलते हैं, चलो बाय बाय। दर्शनाचा
वाह